जीव क्योंकि भगवान का अंश है। अब अंश जो होता है उसका अस्तित्व तभी तक होता है जब तक वो अपने पूर्ण से मिला हुआ हो। कैसे? जैसे ये हाथ मेरा अंश है ना, अब ये जब मेरे हाथ मेरे शरीर से जब जुड़ा हुआ है तो वो कैसे भी कर सकता है ना, कोई भी काम हम ले सकते हैं, हम रोटी भी बना सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उसको किसी भी तरह से हिला सकते हैं जब तक ये मेरे शरीर से संबंधित है। लेकिन अगर इस हाथ को काट दिया जाए तो दिखने में तो ये हाथ हाथ के जैसा लगेगा ना, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकेगा ऐसा, है ना, जैसे हम अभी कर सकते हैं वो अलग से ऐसा कार्य नहीं कर सकेगा। अब हम सोचते हैं कि हम अपने इस शरीर के द्वारा आनंद प्राप्त करें, लेकिन जब तक पूर्ण के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक इंद्र तृप्ति संभव नहीं है। वास्तविक इंद्र तृप्ति जो है जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो ही हम वास्तविक आनंदित हो पाएंगे। इसीलिए कहा गया है भक्ति ही वास्तविक पूर्णता है। ये भक्ति करते तो कैसी होनी चाहिए? अहितुकी अप्रतिहिता। अहितुकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं मैं भक्ति करूं तो मुझे ये मिले। अभी है, आपकी आंखें हैं, वो आपके अंश हैं। आपको कभी ऐसा बोला है कि भाई मैं आपके लिए आज मैं ना इतनी देर तक देखूंगी और इसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए? आपके हाथ हैं, कभी आपको बोलते हैं आज मैं आपके लिए ये काम करूंगी उसके बदले में मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, मतलब मेरे लिए मुझे ये चीज। आपके पैर बोलते हैं भाई मैं आपके लिए इतना वॉक करूंगा ना उसके बदले में मुझे ये चीज देना। पैर नहीं बोलते कभी भी, हाथ नहीं बोलते, क्योंकि उनको तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, आपकी इच्छा है। आप उनको अच्छे शूज लेकर दो या ना लेकर दो, अपने हाथों को अच्छी अच्छी रिंग्स और बैंगल्स लेकर दो या ना लेकर दो, अपने आईज के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आते हो, वो आपकी इच्छा है, उनकी मांग नहीं है, क्योंकि वो हमारा अंश है। उसी तरह से हम क्योंकि भगवान के अंश हैं तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहितुकी। अहितुकी होनी चाहिए, किसी तुक से नहीं होनी चाहिए, और अप्रतिहिता, चाहे कुछ भी हो उसमें कोई भी खंडन नहीं आना चाहिए, एकदम वो भक्ति जो है वो सदैव चलनी चाहिए।